पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी समझ लेते हैं क्या होता है। सोते सोते सपना है एकदम से, और जैसे ही उसने गाड़ी को देखा, वो गाड़ी को जिस इंस्टेंट पर देखा, ऑब्जर्व किया, वो यू थी, और फाइनली जब तक देखा वो भी। तो सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन। स्टार्टिंग वाली जो चीज थी वो इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली जब वो बंदा जाग गया, फाइनल थी बस एक। तो कार देखो बढ़िया। अब तुमने ऑब्जर्व करने स्टार्ट किया। इस ग्राफ को समझा रहा हूं मैं पहले ना, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से ऐसे देखना, ठीक है? ये वाला ग्राफ के अंदर यू क्या नहीं है भैया? यू जीरो नहीं है। क्या नहीं है? यू जीरो नहीं है। यू कुछ तो है ये, चलो जो भी। बहुत बच्चों को तो ग्राफ ही पढ़ने नहीं आते। अगर मैं बोलूं बेटा यहां पे वी लिखा है, ये वाली वी वेलोसिटी मान लो ना, मैं बोलूं तो बताओ वी कितनी, तो टोटल ये वी होती है। जिसको नहीं आती ग्राफ में भैया सीख लो, ये टोटल है। और यू मान लो या अगर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो तो यू ये पूरी। मैं तुमसे पूछो बताओ ये कितनी? अब देखो ना, पूरी वी में से माइनस कर दो यू, तो यही तो बचा वी माइनस यू। बताओ समझे कि नहीं समझे? एक तो बता नहीं सकते ना, शिट मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे को। हाँ तो इस आदमी ने कार चला के जा रहा भैया, कार स्टार्ट हुई है, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें फील नहीं है ना, जैसे हमने दिलाई है, ठीक। तो सोचो यहां पर हुआ क्या, लगातार इसका एक्सेलरेशन हुआ है। तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है? तो अगर मैं इसकी थ्योरी बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, देन स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए फॉर टाइम टी, कितने टाइम तक? फॉर टाइम टी, एंड रीचेस अ वेलोसिटी वी एंड कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। इसको स्लो करके लिख लेना अच्छे से, ठीक है? चलो अब इसको अच्छे से करते हैं। चलो पहली इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। न्यूटन बाबा ने क्या हुआ, अब जब तक तुम बचपन में थे ना, कांस्टेंट स्पीड पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? कांस्टेंट स्पीड। उस टाइम पे ये फॉर्मूला काम करता था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम काम करता था, ठीक है? लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए, स्पीड चेंज हुई, स्पीड के अंदर एक वी आ गई, एक यू आ गई, अब ये फॉर्मूला फेल। तो इसके लिए हमें न्यूटन बाबा ने तीन इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन दी उन्होंने ये वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन उन्होंने दी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन उन्होंने दी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक और फोर्थ इक्वेशन है, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को यूज करनी जो बच्चे आगे जाके आईटी नीट में पढ़ेंगे, उनके लिए ना, स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। याद करो मैंने एक इंस्टेंटेनियस वाली चीज पढ़ाई थी, ये वही है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो एक आदमी जा रहा है, कोई पूछे वो टोटल 10 सेकंड चला, मैं पूछ रहा हूं बताओ एग्जैक्ट 8th सेकंड में वो कितना चला, एग्जैक्ट 8th सेकंड में वो कितना चला, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यहां पर n होता है वो टाइम, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, a फॉर एक्सेलरेशन, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे याद रखना, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, a का मतलब एक्सेलरेशन, एंड t इक्वल्स टू टाइम होता है ये, ठीक। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला ग्राफ अभी बनाया था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों इक्वेशन डेरिवेशन करा रहा हूं आज ना, ये वैल्यू यू, ये पूरी यहां तक वी। तो अगर तुमसे कोई पूछे बताओ सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, ये होगी वी माइनस यू। पिछले ग्राफ में देख लो, देखो ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा है भैया? देख लो, दिख रहा है? अब बात यह है, ये जो इसको बोलते हैं बेटा स्लोप, क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। क्या ये स्लोप ही एक्सेलरेशन बता रहा है? क्या ये स्लोप ही एक्सेलरेशन बता रहा है? स्लोप का फॉर्मूला जो बच्चे 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उन्हें तब समझ आएगा। 9th वाले बच्चे इसको फील इस तरह से समझो कि तुम्हें अपने घर में ना सीढ़ियां लगानी, सीढ़ी मतलब लैडर होती है ना ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी सीढ़ी तभी तो लगा सकते हो जब सामने एक दीवार हो और नीचे एक दीवार हो। मतलब अगर तुम्हें सीढ़ी, ये सीढ़ी है मान लो, ये वाली सीढ़ी देखिए ये लगानी है, तो एक दीवार ऐसा होनी चाहिए और एक ऐसे, तभी तो लगा पाओगे इसे यहाँ पे, ऐसे तभी लगा पाओगे ना। तो ये जो स्लोप है ये तभी तो बन सकता है जब एक सामने दीवार हो और एक नीचे हो। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है? चलो ऐसे समझो, तो अगर तुमको यहां पर स्लोप का फॉर्मूला लिखना है, नाम नेमिंग कर दो इनकी, चलो नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी डी। ये ग्राफ तीन बार बनाना है तो हर बार सेम चीज बनाएंगे मैं ना, ये ग्राफ तीन बार बनाना है तो हम सेम चीज बनाने वाले हैं, ठीक है? चलो ये देखो, स्लोप तुम्हारा इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी स्लोप का फॉर्मूला बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी
बीसी अपॉन एसी। लिंगो बीसी की वैल्यू ध्यान से देखो क्या वी माइनस यू है, और एसी की वैल्यू कितनी है, ये एसी इसके इक्वल है ओडी, ये टाइम ही तो है, यही तो है टाइम, यही तो है टाइम, देख लो लिख दो, ये इक्वल टू ये लिख दो, तो क्या ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी आया। क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी था, याद करो पीछे एक जगह लिखवाया था कहीं मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में शायद, है ना, कहाँ गया ये रहा, ये सेकंड लेक्चर का था, देखो जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं ना, ठीक। चलो क्या टाइम को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये बन जाएगा, क्या माइनस यू को उठा के इधर प्लस में ले आऊं तो क्या ये बन गया, यही है फर्स्ट इक्वेशन, जरा ध्यान से देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन देख लो, जरा ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, पॉज करके सब नोट करो, मैं अगली पे बढ़ रहा हूं, ठीक है, पॉज करके सब नोट करो, मैं अगली पे बढ़ रहा हूं। चलो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चलो इसके लिए तुम एक तगड़ी चीज सिखाते हैं पहले, ना सिखा दे, ये कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ ले लो भैया, स्पीड टाइम ग्राफ ले लो, कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ, ये देखो। एक बात बताओ, ये स्पीड कांस्टेंट वाला ग्राफ है ना, कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है ना, नहीं। मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस निकालो, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये होता है, फील करो अगर ये तुम्हें रेक्टेंगल जैसा दिख रहा हो तो, देखो फील करो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है कुछ, क्या यहाँ पे ये स्पीड है और ये टाइम है, क्या यहाँ पे लेंथ तुम्हारा टाइम है, रेक्टेंगल में अगर फील करोगे तो लेंथ तुम्हारा टाइम और ब्रेथ तुम्हारी स्पीड है, फील कर लो इसे रेक्टेंगल फील करो, देखो स्पीड क्या और टाइम क्या है ना, क्या तुमने लेंथ इनटू ब्रेथ किया हुआ है, क्या ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या डिस्टेंस यहां पर तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया अंडर द ग्राफ है, ये याद रखना, जैसे यहां पर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, डिस्टेंस कैसे निकाला तुमने एरिया अंडर द ग्राफ से, अगर यहां पर वेलोसिटी टाइम होता तो कैसे निकालते डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द ग्राफ, क्या ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूं तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, चलो सेकंड इक्वेशन सेम ग्राफ बना लेंगे, है ना, सेम ग्राफ यहाँ डैश डैश बना देना, अगर ये मैं पूरा एरिया निकाल दूं तो यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है सेकंड इक्वेशन में, देखो जरा क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट ही ढूंढना है सेकंड इक्वेशन में, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, जल्दी देखो, यहाँ पे मैं एक और बना दूं ये आसान हो जाएगा, क्यों आसान हो जाएगा, बहुत बच्चों को ट्रेपेजियम नहीं पता, बहुत बच्चों को ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता, बल्कि डायरेक्ट अगर तुम यहाँ पे अच्छा पहले नंबरिंग कर दो, ये यू तुम्हारा है ना, ये यू तुम्हारा, ये यहां तक वी, ये पूरा वी, ठीक है, सिर्फ इतने की बात करूं तो वी माइनस यू, ये तुम्हारा टी फॉर टाइम, ठीक है। अब बात ये कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा डायरेक्ट इसका एरिया निकालो, तो कुछ बच्चे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, बहुत आसान हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इंटू हाइट, हाइट के ये वाली टाइम, तो बहुत बच्चे उससे कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को जो मैंने अभी भी बोला सबके सर के ऊपर से चला गया, बाउंसर चला गया, वो बच्चे ध्यान से देखो, एक एक स्टेप वाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट ही होगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा है, क्या यहां पे तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ए बी सी डी, क्या तुम्हें यहां पे क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या अगर इसका एरिया मैं ऐड कर दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ में, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का बेस क्या है ए सी, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है बी सी, ठीक है, प्लस लगाओ, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है ए सी, ब्रेथ क्या है सी डी, चलो भैया देखो जल्दी, हाफ इंटू ए सी की वैल्यू क्या है, जल्दी पुट करो, ए सी यही तो है टाइम, बी सी क्या है, बी सी वी माइनस यू, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट है ना, प्लस ए सी क्या है टाइम, सी डी क्या है यू, देखते जाओ साथ में ना यू, ये हो गया बात समझ में, अब एक बात सोचो इस इक्वेशन में कहीं V दिखाई दे रहा है, तो मैं V दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, कहां है V, है ही नहीं यहां पे, इस वाले V को भगाना है,
इस वाले वी को भैया भगाना है, इस वाले वी को भगाएंगे। अब ऐसे तो भगा नहीं सकते कि यहां से काट दो, ऐसे तो कर नहीं सकते, फिजिक्स थोड़ी ना ये, ठीक है। क्या वी की वैल्यू ये लिख दूं मैं, वी इक्वल टू किसके, यू प्लस ए टी, वी किसके इक्वल है, यू प्लस ए टी। तो क्या वी की जगह में यहां पर यू प्लस ए टी लिख दू तो बात बन जाए, बात बन जाए, यू प्लस ए टी लिख दू। उस v की जगह मैंने इस v की जगह देखो u प्लस एटी, इस v की जगह u प्लस एटी लिख दिया, बाकी सब वैसे ही लिखो, बाकी सब वैसा ही, माइनस u सब देखो वैसा ही, देखो है ना, यहाँ पे t ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो, s ऐसे ही रहने दो, प्लस में ut ऐसे ही रहने दो। अब मुझे एक चीज देख के बताओ ध्यान से, क्या इस वाले u से ये वाला u कट गया, क्या अंदर बचा a और t बस और बाहर भी t, तो t की मल्टीप्लाई इस t से हो गया, तो t into t कितना होगा, t का स्क्वायर, x into x, x का स्क्वायर, a into a, a का स्क्वायर, ये तो होता है स्क्वायर ही तो होता है जब दो टर्म मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल, तो t into t, तो a तो ऐसे ही रहने दो, t into t, t का स्क्वायर, बाहर कितना है 1 by 2, s ऐसे ही रहने दो, यहां पे क्या लिखा u plus ut, कि यही है सेकंड इक्वेशन, ध्यान से देखो, देख लो, देखो 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 भाई जल्दी देख लो। तो बात मुझे ये समझ में आई कि चाहे तो मैं ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के कर लूं, चाहे मैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूं, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो बात समझ में आई, नोट करो जल्दी से, पॉज कर रहा हूं, अगले से स्टार्ट करता हूं। चलो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब पिछली बारी मैंने तुम्हें ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कराया था, अब जिन बच्चों को ट्रेपीजियम का नहीं आता उन्हें सिखाना तो ही, तो उनके लिए मैं इस बार ट्रेपीजियम से करूंगा। थर्ड इक्वेशन बेटा ये होती है, तुम्हें पता है ये इक्वेशंस गैलीलियो साहब ने बहुत पहले जब कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, 200-250 साल पहले निकाल दी थी, पता है कैसे निकाल दी थी, लेकिन उनके में एक हल्का सा फ्लो था, एक हल्की सी गड़बड़ थी, पता है क्या। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें यू टी ए टी सब पता है ना, उनकी इक्वेशन में गड़बड़ ये थी कि वो तभी इक्वेशन प्रूव कर पाए थे जब यू की वैल्यू जीरो हो, यहाँ यू की वैल्यू जीरो हो जाए ना हो काम चल जाएगा, वो तभी प्रूव कर पाए थे जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू यू की जीरो होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी गड़बड़ थी, बाकी उन्होंने सब प्रूव कर दिया था, ठीक है। चलो यहां देखो वापस से सेम ग्राफ, अपने को कुछ नहीं करना, सब सेम है, इस बार ऐसे ही रहना, तो देखो ये यू, ये पूरा कितना है वी, ये कितना है टी, ये तो है। चलो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ, होता है एरिया अंडर ग्राफ, यहां ग्राफ है सम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, क्या अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं वही निकल जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये तो होता है। इस वाले ग्राफ में ध्यान से देखो, इसके नाम दे दो, नामकरण कर दिया करो यार, कैसे याद दिला दे करो भाई, इसका नाम ओ ए बी और सी, डी था शायद ना, डी लिखो। दो पैरेलल साइड्स देखो ध्यान से, दो पैरेलल पता है ना, या वो बताना पड़ेगा, पता है ओ ए और बी डी, देखो दोनों पैरेलल है, लिख दो हाफ ए प्लस बी डी, सही लिखा, ओ ए प्लस बी डी, बी डी या डी बी जो तुम्हें लिखना है ना, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट वो होती है जो दो साइड्स को परपेंडिकुलरली जोड़ दे, है ना, दोनों पैरेलल साइड्स को परपेंडिकुलर कौन लाइन जोड़ रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर जोड़ रही है परपेंडिकुलरली, यहां पे हाइट क्या है टी। चलो ओए की वैल्यू यू, बीडी की वैल्यू वी, हाइट ऐसे टी, टाइम ऐसे रहने दो, क्या इस इक्वेशन में टाइम कहीं दिख रहा है तुम्हें, नहीं सर टाइम तो नहीं दिख रहा, सर नहीं दिख रहा। अच्छा एक बात, तो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है, v प्लस यू लिख दूं, u प्लस v की जगह उल्टे ही कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो सेम ही बात है, t की वैल्यू, सर ये तो आप पंगा कर रहे हो सर, अब हम कहाँ चलाएं t की वैल्यू, सर हमें तो नहीं दिख रही। चलो आ जाओ फिर से सबका जुआड़, फर्स्ट इक्वेशन ऐसी तुम्हारी ये आ गई थी ना, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू ढूंढना चाहूँ मिल सकती है, पता कैसे दिखाता हूँ, यू लाओ वापस माइनस में, ये बचा ए टी, ए लाओ डिवाइड में, क्या ये टी की वैल्यू है, देख लो गौर से देखो दुनिया कितना जोन लगाना सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, देखो ने कहा है जो तुम भी सुनो, सुन लिया, देख लिया, परख लिया,
चल दे अगले पेज पे, टाइम की वैल्यू पुट कर दे जाके वी माइनस यू अपॉन ए कर दे, बताओ वी माइनस यू अपॉन ए कर दू। अब एक चीज, अब तो मेरी मैथ्स का टेस्ट, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बोलो भैया? अच्छा तो बोल नहीं सकते, मैं भूल जाता हूँ एक बार, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? नीचे टू बी और ए बी, क्या टू ए बन गया मल्टीप्लाई टू ए, क्या टू ए मल्टीप्लाई से डिवाइड मत कर, इधर भेज दू, इधर भेज दू, तो टू ए साथ में क्या है एस इक्वल्स, यहाँ क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या यही है तुम्हारे थर्ड इक्वेशन? ध्यान से देखो, देख लो भाई, नोट करो, पॉज करो।